अगर कुछ भी नहीं आ रहा है सपोज करो, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आओ क्लास के बाद आ जाओ, डाउट्स पूछो और जाओ, लेकिन प्रैक्टिस तुम करोगे। आज वार है शनिवार, मंगलवार से बिल्कुल एक नया, एक फ्रेश, एकदम रिफ्रेशिंग टॉपिक शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। जैसे हमने इन दो चैप्टर्स को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा, हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करेंगे भाई। लास्ट क्लास में जहां तक मुझे ध्यान है, जितना मुझे याद है, हम लोगों ने क्या किया था, शील्डिंग करवाई थी ना। अच्छा, कोई हेडिंग लिखवाई थी क्या? तो लिखो जरा, एक हेडिंग लिखेंगे और शुरू करेंगे। दो बहुत बेकार सी डेरिवेशन है ये ना, लेकिन आ जाती है पेपर में कई बारी। लिखो जरा, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब, व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस, स्लैब एस एल ए बी, स्लैब ऑफ थिकनेस टी, ब्रैकेट में टी इज लेस देन डी, ब्रैकेट में टी इज लेस देन डी इज इंट्रोड्यूस्ड, इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, राइट। आओ समझो, सबसे पहले ये समझो कि हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, इस बात को जरा समझ लो। ये डेरिवेशन अगर समझ में आ गई तो इससे अगली जो डेरिवेशन है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, वो भी तुम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। दोनों सेम है, बात को समझो। एक कैपेसिटर लिया गया कुछ इस प्रकार से, ये हमने क्या कंसीडर कर लिया, कैपेसिटर। अब भाई ये कैपेसिटर है तो यार इसकी एक प्लेट पे पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पे चार्ज होगा, बोलो सही है। हमने क्या काम किया, इसके अंदर एक कंडक्टर कुछ इस तरह से इसकी प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, कंडक्टर है। और जो कंडक्टर है भाई, इसकी थिकनेस हमने रखी टी, कंडक्टर की थिकनेस कितनी रखी, इसका मतलब कंडक्टर पूरे तरीके से कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो गैप है उसको फिल नहीं कर रहा, बीच में जो गैप है, है मतलब स्पेस थोड़ा सा खाली है, बोलो सही है। अब दोनों प्लेट्स के बीच की जो एक्चुअली दूरी होती है वो क्या होती है, तो हमने टी को डी से क्या रखा है, कम, हमने टी को डी से क्या रखा है। अब एक बात तो बिल्कुल तय है कि जब ये कैपेसिटर पे इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्शन की वजह से यहां पे कैसा चार्ज आएगा, और इधर नेगेटिव है तो इधर कैसा चार्ज आएगा, हाँ ना, तो बोलो। हम बात करें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो सही है क्या, इसके अंदर अपोजिट है, सो मतलब कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे, हाँ ना बोलो, गधे हो तुम। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पिछली क्लास में सिखाया था कि कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, जीरो। तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। हमें अब इस परिस्थिति में इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, जब ये स्लैब इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दी उसके बाद। ध्यान लगा के देखा जाए, लॉजिकली सोचूंगा मैं, फालतू की कोई बात नहीं करने का। अगर मैं इसकी इनिशियल कैपेसिटेंस निकालूं,
जब ये कुछ भी इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया तो तब फॉर्मूला होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। नॉर्मल सी बात है, ये तब की बात है जब इसके अंदर स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया, तो तब तो इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय। यार हाँ ना तो बोलो। अब तुम ये सोचो केवल कि इस स्लैब के इंट्रोड्यूस कराने से फर्क क्या पड़ा। एक बात जो मेरे को सीधा सीधा समझ में आ रही है वो ये कि अगर ये स्लैब मान ले मैं इंट्रोड्यूस नहीं कराता तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस पूरे रीजन में था ऐसे, लेकिन अब ये जो बीच वाला पोर्शन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है पोटेंशियल के टर्म्स में वो होता है E बराबर V बाय D। R कह लो या D कह लो, यहां दोनों प्लेट के बीच की दूरी D है, यहां दोनों प्लेट के बीच की दूरी, तो हम E बराबर V बाय D कह सकते हैं। जहां दूरी R हो वहां पे हम E बराबर V बाय R कह सकते हैं, सही है। लेकिन अब ये फॉर्मूला थोड़ी लगेगा इस पे, सोचो D लगना चाहिए या D माइनस T लगना चाहिए, सोचो क्या लगना चाहिए, D माइनस। अबे क्योंकि इस हिस्से में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, हाँ ना बोलो यार। तो इस हिस्से में और इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दूरी पता लगाने के लिए D में से T की वैल्यू को क्या कर दूं, हो गई डेरिवेशन, बस खत्म। नाउ आओ E नॉट बराबर जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होना चाहिए, V अपॉन में D माइनस। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं और V निकालूं तो क्या निकलेगा, E नॉट इनटू में D माइनस। हाँ ना बोलो। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैपेसिटर, कल कर रखी है डेरिवेशन, हीरो मत बन। हाँ भाई, हाँ भाई, ऐसे तोते उड़ते हैं तुम लोग के हैं। आओ इधर, इधर देखियो, एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, दूसरे प्लेट की वजह से सिग्मा बाय, तो कितना सिग्मा बाय, सब कुछ करवा रखा है भाई। तुम लोग अगर पढ़ के नहीं आओगे तो फिजिक्स नहीं आएगी मेरे भाई, इस बात को समझ लो। तो कुल मिला के बात ये निकली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस ई नॉट की जगह देखियो क्या रख दूं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। मैं मान लेता हूं कैपेसिटर पे चार्ज है क्यू, प्लेट का एरिया हम कितना लेते हैं ए, तो ध्यान से देखियो सिग्मा की जगह क्या लग जाएगा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। यहां ब्रैकेट में अपन लिखते रहते हैं, बाद में आके तुम ही लोग पूछोगे E नॉट का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है और सिग्मा का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में, बोलो सही है क्या? Yes, हाँ ना बोलो। Yes, अब अगर मैं ये लेट कर लूं कि लेट सी डैश बी द न्यू कैपेसिटेंस, मैं अगर ये लेट कर लूं कि जो सी डैश है वो नए कैपेसिटेंस की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, तो क्या Q बराबर सी डैश वी होना चाहिए? अरे Q बराबर सी वी होता है ना, नई कैपेसिटेंस क्या मान ली सी डैश, तो Q बराबर क्या हो जाएगा सी डैश। इसको अब अगर इधर हम लोग सॉल्व कर लें तो देखना सी डैश बराबर क्या आएगा, Q बाय Q की जगह तो Q सही है, V की जगह वो वैल्यू उठा के पुट कर दूं क्या, वैल्यू पुट करूंगा तो Q इंटू में D माइनस T इंटू में एप्सिलॉन नॉट, Q ने Q को, C डैश का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? ये निकल गया नया कैपेसिटेंस, देख के बोलो घटा बड़ा, घटा बड़ा, बड़ा। अरे पहले D था भाई, अब डिनोमिनेटर में D माइनस T हो गया, डिनोमिनेटर घटेगा तो कैपेसिटेंस उतार डालो। कल कोई बालक बता रहा था कि उसके स्कूल में करवाई ही नहीं है, डेरिवेशन ही नहीं कराई है। लिखो जरा,
कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब when a dielectric slab of thickness t bracket mein t is less than d is introduced between the plates. अच्छा एक बार जरा comparison करो इस वाली heading में और इससे पिछले वाली heading में क्या अंतर है? पिछले वाली में क्या था? इसमें क्या है? क्या अंतर आना चाहिए? दिमाग लगा के, यही diagram same बनेगा, दिमाग लगा के बताओ क्या अंतर आएगा? यहां जो E0 है अब वो E0 नहीं रहेगा क्योंकि अंदर भी डाइइलेक्ट्रिक है और अब जो है मेरे भाई फील्ड अपोजिट हो जाएगा. ये बोलो सही है क्या? Yes, sir. क्योंकि अब ये डाइइलेक्ट्रिक है तो इसका भी फील्ड होगा. हा ना बोलो. Yes, हम मान लेते हैं इसका फील्ड है E. क्या मान लेते हैं? इसमें अंदर कितना फील्ड है? E. अब देखो जरा ध्यान से, यहीं पे चेंजेस करेंगे. इनिशियल कैपेसिटेंस सी नॉट का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. अब नई कैपेसिटेंस, ओ सॉरी नया इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो समझो ध्यान से. ये पोटेंशियल किसका है? इस हिस्से का और इस हिस्से का. पहले तो इसका पोटेंशियल निकालने की अपने को जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उसमें था ही नहीं, लेकिन अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा. कैसे इसका पोटेंशियल कैसे निकालें? ध्यान से देखियो. इसके लिए क्या मैं ये कह सकता हूं कि E बराबर V by T? Yes, अरे भैया इसकी थिकनेस तो T है ना. Yes, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E माने हो ना. Yes, तो E बराबर में क्या होना चाहिए? V by T. तो इसका जो V निकलेगा वो क्या निकलेगा? ET. क्या निकलेगा? ET. पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो उस पोटेंशियल को इसमें क्या कर देना चाहिए? एड. क्या कर देना चाहिए? तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अब. एक मिनट. नाउ V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी. ये तो पहले वाले का हो गया. प्लस ई टी. प्लस क्या हो गया? भाई इस वाले हिस्से का वोल्टेज जो आया ई टी वो हमने यहां पे क्या कर दिया? एड. बोलो सही है. अब देख ध्यान लगा के. ई नॉट ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस E की जगह मैं लिख सकता हूं E नॉट बाय K. कहां से लाया ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला लाया FM बराबर F नॉट बाय K से. ठीक है, मीडियम की फोर्स वैक्यूम की फोर्स के 1 बाय K टाइम्स होती है. yes, तो मीडियम का जो फील्ड है वो वैक्यूम के फील्ड के 1 बाय K टाइम्स होगा. बोलो सही है. yes, भाई इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? E नॉट. क्या कॉमन आ जाएगा? E0. तो देखियो V बराबर E नॉट ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T बाय K. हा ना बोलो. yes, यही हो जाएगा क्या? yes, E नॉट की जगह वापस क्या आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. बस यहां पे अब अपन क्या कर देंगे? वो चीज जो आई है उसको प्लस करो. D माइनस T प्लस T बाय K. ये तो सेम रहेगा ना. यहां पे भी क्या हो जाएगा? D माइनस टी प्लस टी बाय. देखो बोलो सही है क्या? yes, C डैश नया कैपेसिटेंस हो जाएगा. yes, C डैश बराबर Q बाय वी और कुछ नहीं बदलेगा. केवल यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस टी बाय. तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? प्लस टी बाय. हा ना बोलो. yes, ये आ गया नया कैपेसिटेंस. एक छोटा सा चेंज करके एक नई डेरिवेशन हो गई. लेकिन अब यहां कहानी में एक ट्विस्ट है. तुम लोगों को याद है क्या? पहले तो मैं अभी जो फॉर्मूला निकाला वो लिख लेता हूं. मैंने फॉर्मूला निकाला है C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाय.
ध्यान करना, मैंने पहले एक फॉर्मूला और पढ़ाया है तुम्हें, CM बराबर KC नॉट। इस फॉर्मूले में भी तो डाइइलेक्ट्रिक ही इंसर्ट करते थे, तो फिर इस केस में यही फॉर्मूला क्यों नहीं निकला? अंतर क्या है? नहीं नहीं गैस क्यों डाली है उसमें? हाँ बिल्कुल सही बात पकड़ी है मानवी ने, आओ दिमाग लगाएं। इस फॉर्मूले में टी की जगह डी ले लो, टी की जगह क्या ले लो D. देखना जरा, टी को क्या कर दो D. इसका मतलब क्या है, टी को डी करने का मतलब क्या है? पूरा कि पूरा कवर कर दिया। ठीक है, अगर तुम टी को डी के बराबर लेते हो, सोच के देखो, और ये वैल्यू यहां पुट करते हो तो देखना, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस डी प्लस डी बाय के, डी ने डी को, फॉर्मूला बचा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये के ऊपर चला जाएगा, हाँ ना बोलो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी क्या है, सी नॉट, सी बराबर क्या आ गया, वही तो बना। मतलब नहीं समझे, कई चिरकुट अभी भी नहीं समझे, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब डाई इलेक्ट्रिक पूरी तरह से भरा गया हो, कोई गैप ना हो, हाँ ना बोलो, और अगर कोई गैप है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, हाँ ना बोलो, yes, अंतर समझ आ गया, yes, उतार डाल, ये आती है भाई पेपर में, हाँ कर लेना तो डीके भी तो आएगा उधर, हाँ कोई दिक्कत नहीं उसमें। अंतर पता पड़ा दोनों डेरिवेशन में, एक अगर आ गई ना तो दूसरी फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और ये पढ़ने से, बार बार मैं फिर से बोल रहा हूं, केवल पढ़ने से डेरिवेशंस नहीं होंगी, आपको इनको लिख लिख करके देखना पड़ेगा, तीन तीन बार चार चार बार, जब तक लिखोगे नहीं नहीं आएगी। हो गया भाई, अगली स्लाइड भी है, जब ये हो जाए बताना, अगली स्लाइड लगाऊंगा। कहां पे, कहां पे, ई नोट है ये, ई और एप्सिलॉन में अंतर है, मैं जो बनाता हूं एप्सिलॉन को हमेशा कर्व बनाऊंगा, नहीं नहीं वो तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता ना, एप्सिलॉन ऐसे ही बनेगा हमेशा, ठीक है, ये एप्सिलॉन रहेगा और ई जो बनेगा वो ये बनेगा, दोनों सेम सेम बनाओगे तो फिर तो एग्जामिनर भी बावला हो जाएगा, साथ में तुम भी, पता ही नहीं पड़ेगी कहां ई लिखा है कहां एप्सिलॉन, नॉट भाई ऐसे थोड़ी होती है, नहीं आया समझ, हाँ वो स्टार्ट बदलो वही मैं भी बता रहा हूँ कि स्टार्ट बदलनी पड़ेगी। हाँ जी, यही आया ना, एफ एम बराबर एफ नॉट बाई के हुआ, और एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई, क्यू ई एम बराबर क्यू ई नॉट बाई के, तो ई एम बराबर ई नॉट बाई के, जब तक जवाब है तब तक देते रहेंगे, जब नहीं है तब पीट देंगे, और क्या।
सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ट्रिक फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। अपने पेज को ना इसके दो पार्ट कर लो, ऐसे लाइन लगा लो बीच में। हाँ तुम देख सकते हो, सवाल आते हैं इस पे, बहुत बहुत सवाल पूछा जाता है भाई। ऐसे करके ना डिवाइड कर लो, एक तरफ लिखो, पहले इस तरफ लिखो, when dielectric is inserted, when dielectric is inserted and battery is connected, when dielectric is inserted and बैटरी इज कनेक्टेड, ठीक है। दूसरी तरफ लिखो, व्हेन डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, व्हेन डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड एंड बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, व्हेन डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड एंड बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, कि जब डाई एक तरफ में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया बैटरी कनेक्टेड है, दूसरी तरफ भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अब इधर देख लो जरा, नंबर वन कैपेसिटेंस बढ़ेगा, उतारना नहीं अभी समझना, पहले चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और जो एनर्जी स्टोर्ड है वो बढ़ेगी। और सुनो, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है कैपेसिटेंस बढ़ेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और एनर्जी स्टोर्ड भी घटेगी, और सारा इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा वो के टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा? जो कि जो डाइलेक्ट्रिक तुमने इंसर्ट किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो कैपेसिटेंस के गुना बढ़ जाएगा, चार्ज के गुना बढ़ जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। बोलो क्लियर है? हाँ ना बोलो, उतार डालो ये दोनों पॉइंट। इस पे न्यूमेरिकल आता है भाई, ये कोई टॉपिक नहीं है, कोई पूछेगा नहीं, न्यूमेरिकल करने के लिए केवल तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ ये तो इलेक्ट्रिक लिख रहा हूं ना, साइन थोड़ी बना रहा हूं हीरो। चल रहा है आप हो गया। हाँ भाई डन है क्या? Yes, हो गया क्या? Yes, कुछ नहीं, इसके आगे कुछ कराना थोड़ी है, टेंशन नॉट। आज तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारा ये वाला चैप्टर क्या हो गया, एंड चैप्टर नंबर वन
एंड चैप्टर नंबर टू ऑफ एनसीईआरटी खत्म हुए, ज्यादा नहीं लगभग 18 से 19 क्लास लगी हैं दो चैप्टर कवर करने में, क्योंकि सब कुछ इन डिटेल में हुआ, कुछ भी ऐसा कुछ छोड़ा नहीं गया। ठीक है, जो न्यूमेरिकल थे वो साथ के साथ सारे करा दिए गए हैं। अब रह गया क्या? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे बिहाफ में मैं नहीं कर सकता, वो एटलास्ट तुम ही लोगों को करनी है। ठीक है भाई, तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके मिलो, और अगर कुछ भी नहीं आ रहा है सपोज करो, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आओ क्लास के बाद आ जाओ, डाउट्स पूछो और जाओ, लेकिन प्रैक्टिस तुम करोगे। आज वार है शनिवार, मंगलवार से बिल्कुल एक नया, एक फ्रेश, एकदम रिफ्रेशिंग टॉपिक शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। जैसे हमने इन दो चैप्टर्स को चार पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा, हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 को भी दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तरफ उसके सारे न्यूमेरिकल रखेंगे और दूसरी तरफ उसकी सारी थ्योरी। जैसे भर भर के न्यूमेरिकल यहां है वैसे ही वहां भी है। सो न्यूमेरिकल से अभी पहली चार यूनिट तक तुम्हें कोई निजात नहीं मिलने वाली, तुम्हें दबा के न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे और हम भी करेंगे। ठीक है, जल्दबाजी की कोई बात नहीं, आराम आराम से चल रहे हैं, लेकिन अक्टूबर तक हर हाल में सिलेबस क्या कर देंगे? खत्म। ये तय है कि अक्टूबर तक हर हाल में सिलेबस क्या कर देंगे? खत्म। इसको पढ़ के आए, आज की क्लास अब हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि नया टॉपिक शुरू करने का अभी कोई फायदा नहीं है। कल सुबह 10 बजे, नहीं नहीं नहीं, कल सुबह 10 बजे बैकअप क्लास के लिए हम लोग मिलेंगे, तो आप इधर पहुंचेंगे। ओके भाई, टाटा बाय बाय। सुबह 8 बजे, 10 तक। अरे क्या क्या कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, पढ़ना ही तो है। अरे दादा क्या हो गया? तो